हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सर्कल मूलरतन दुबे। और अब की मैंने बनाया है एक छोटा सा बो एंड एरो धनुष बाण पेन की मदद से। इसको बनाने के लिए हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, दो फ्लेक्सिबल रबर और कुछ पीलियां मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगी। और ये थर्माकोल इजिली सबके घर में अवेलेबल रहता है जब भी हम कुछ नया परचेज करके लाते हैं। इसको हम इसलिए लिए हैं कि हम जो है बाद में इसे चेकआउट कर सकें। तो पहले मैं आपको एक ठीक जो है लगा के दिखा देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। इसको मैंने लगाया और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना इजिली इसके अंदर चला गया और कितना स्ट्रॉन्ग गया। आपको मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अंदर चला गया था। इतना छोटा धनुष होने के कारण भी ये बहुत ही फैंटास्टिक है। तो अब बात करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इसको बनाने के लिए हमें एक पेन की जरूरत होगी। हमें पेन ऐसा लेना है जिसमें ये रबड़ हो, रबड़ ये वाला जो आगे की ओर होता है, ये रबड़ रहना कंपलसरी है क्योंकि जब हम इसमें दूसरा रबड़ लगाएंगे तो ये उसको पकड़ के रखेगा। और फिर हमने इसके आगे वाला और पीछे वाला हटा दिया है जिससे एरो इसके अंदर से आर पार जा सके। तो अब फिर इसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। दो रबड़, कुछ तीरियां। तो एक हम रबड़ लेते हैं और ये जहां पे दूसरा वाला रबड़ था इस तरह से यहाँ पे इसको रख के इसके ऊपर से दूसरे वाले पेन के रबड़ को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस रबड़ को मैंने इधर से जो है इसके नीचे से रबड़ पेन के रबड़ से नीचे से मैंने निकाला है। अब हम दूसरा वाला रबड़ लेंगे और इधर से जो आगे की ओर से थोड़ा सा रबड़ निकला है इससे हम आर पार इसको करेंगे और एक ही क्रॉस लगाना है। ये देखिए, ये जो दूसरा वाला रबड़ है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहले वाले को दूसरे वाले के अंदर से ले जाएंगे और टाइटली खींच लेंगे। अब ये जो हरा वाला इतना यहाँ पे फर्स्ट वाला रबड़ है इसको हम इधर से खींच लेंगे जिससे ये निकला ना रहे बाहर। और ये जो दूसरा वाला रबड़ है इसको हम इसके ऊपर से फोल्ड कर देंगे जिससे ये और टाइटली इसको यहाँ पे रोक सके। तो जितना फ्लैक्टिक है तो हमारा बो बन के तैयार हो चुका है। अब हम एक एरो लेंगे, इसको अब हमें कैसे इसमें से लगाना है। तो ये देखिए, हम इसका बैक साइड को इसके फ्रंट साइड से डालेंगे एंड फिर इसके ये रबड़ को इधर से खींचेंगे और इसमें पीछे लगा के इसको, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अंदर चला गया है। अब मैं इसको थोड़े दूर से लगाता हूँ निशाना इस पे, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं जिससे अगर जितना तेज जा रहा है वो हमें पता है। उससे करीबन करीब 1-2 फीट की दूरी पे चला गया हूँ। अब फिर मैं इसको डालता हूँ इसके अंदर से एंड इधर से निकालता हूँ, इसमें मैंने लगाया वो थर्माकोल को मैं खींच के। और अब इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे आगे की ओर जिससे और कोई फिंगर इसको रोके ना। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्गली उसमें चला गया। मैं एक और आपको लगा के दिखा, देखिए इसको इधर से लगाया, रबड़ लिया इसमें लगाया मैं आपको इसको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों इसके आर पार चले गए हैं। शुरुआत में इसलिए नहीं गया था क्योंकि हमारी जो और फिंगर रहती है उसके बीच में आ जाती है और हमें तब तक इसको ऐसे लगाते रहना है, भले ही हमारा ना जाए तब तक लगाते रहना है जब तक कि वो पूरा एकदम मिडिल में यहाँ पे रुक ना जाए रबड़। क्योंकि अगर ये नहीं रुका तो हमको हमारे हाथ में भी चोट लग सकती है, रबड़ इतना फ्लेक्सिबल होता है या फिर इसका आगे इतना शार्प। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दोनों आर पार हो गया है, भले ही ये इतना छोटा सा है लेकिन ये दोनों आर पार हो गया है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। तो फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसानी से एक बो और एरो बनाया है। थर्माकोल घर में ही सब मिल जाता है हमको आसानी से।
तो इस वीडियो को हम अराउंड 50 लाइक्स तो बनता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अब मैं नए नए वीडियो डालता रहूंगा। इस समय छुट्टी हो गई है तो, और छुट्टी हो गई है स्कूलों की, और काफी लंबी छुट्टी हो गई है। कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं और बाहर हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम उनको कैसे अंदर रोक सकते हैं ये हम बताएंगे नए नए वीडियोस के साथ। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।